अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे जनाब। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बिल्कुल ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग मेरा है, एक छोटा सा टूर है 30-40 किलोमीटर सैयद वाला जाना है मैंने अपने रिलेटिव्स के पास। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। पेट्रोल डलवा लिया जाए, तो चलो पेट्रोल पंप की तरफ चलते हैं। आप पेट्रोल डलवाते हैं तो फिर आगे हम जो अपना सफर जारी रखेंगे। अच्छा, जी व्यूअर्स, कैसे आप लोग, सब ठीक ठाक हैं। जैसे कि आपको कहा था कि जी मैं एक छोटा सा टूर पे जा रहा हूँ सैयद वाला कज़न के पास, तो एक कज़न के पास मैं खड़ा हूँ अभी, उसके साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वसलाम, कैसे हैं। जी राय फारूक साहब है मेरे बहुत प्यारे कज़न, कैसे हैं जनाब, ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई। जी इसके पास अभी आए हैं जी, अभी आगे हम मज़ीद दोस्तों को मिलेंगे और जो है वो आगे मज़ीद टूर करेंगे। आपको जो है वो यहाँ पर कुछ मैंगोज़ के दरख्त हैं और भी छोटे छोटे दरख्त हैं वो भी दिखाएँगे, और जो है छोटा मोटा टूर करेंगे साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे। जी जी व्यूअर्स, हम यहाँ पे आ गए हैं जी। ये आपको छोटे छोटे जो है वो पौधे दिखाते हैं। ये एक आपको पौधा नज़र आ रहा है, ये जो मीठे उनका ये दरख्त है, छोटा सा पौधा है बड़ा प्यारा, उनके ऊपर भी फल लगा हुआ है। ये आपको छोटा सा आम नज़र आ रहा है, ये जामुन का दरख्त है, आप देख सकते हैं जिसके ऊपर जो है वो जामुन भी लगे हुए हैं। आगे चलते हैं जी, आगे वहाँ पे जो है वो आम का दरख्त है, आम जो है उसके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े लगे हुए हैं, अभी आपको दिखाते हैं, उतारते भी हैं। अच्छा हम जी, तो व्यूअर्स हम यहाँ पे आ गए हैं जी आम के दरख्त के पास। ये आप देख सकते हैं जी, आम का दरख्त आ गया जिसके नीचे हम खड़े हुए हैं। जी आप देख सकते हैं जिसके ऊपर जो है वो आम लगे हुए हैं, इसको उतारते हैं। ये देखें जी, हमने एक आम उतारा है, कच्चा है, कच्ची इमली जिसको आप कहते हैं वो है, लेकिन जो है वो खाने के अंदर जो इसका टेस्ट है बड़ा मीठा है, कमाल है माशाल्लाह। ये ये जनाब मेरा कज़न जो है ये पत्थर मार के जो है वो उसको आम जो है वो नीचे उतारा है, ऊपर हमसे नहीं चढ़ा गया, ये पत्थर मारा लेकिन इसे एक भी नहीं लग रहा। अभी देखते हैं कि कब तक जो है वो कितनी देर लगती, तुमसे ना हो पाएगा इसको जो है ना जी आम उतारने में। जल्दी कर भाई जल्दी कर, ये देखें जी फाइनली जो है वो कामयाब हो गया, ये कच्चा सा आम बिक रहा है। अभी आप देख रहे हैं जी ऊपर बहुत ज़्यादा आम है, बड़ा जो है मज़े की चीज़ें यहाँ पे। गांव के अंदर जो है वो ऐसी चीज़ें जो हैं वो ऐसे दरख्त ऐसे पौधे लगा के जो है वो इन्जॉय करना, और ये नेचुरल चीज़ें नेचुरल हवा यहाँ पर जो है वो बड़ा जो है वो मज़े का माहौल है जी। आप भी जो है वो देखते होंगे या सुनते होंगे जी, गाँव के अंदर जो माहौल है बड़ा इंटरटेनिंग है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं, ये अमरूद हैं, वहाँ पे जामुन हैं, वहाँ पे जो मीठे के जो हैं वो संतरे हैं, ये मुख्तलिफ जो है वो सामने खजूर का एक दरख्त है। ये सारे दरख्त एक एक दो दो इन्होंने जो है ना मेरे कज़न ने लगाए हुए हैं, बड़े प्यारे माशाल्लाह बड़ा माहौल है यहाँ पे। अच्छा हमको सिखा रही है जी व्यूअर्स, तो हम जो है वो सारा दिन आज हमने रेस्ट की है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अभी मौसम जो है वो थोड़ा सा ठीक हुआ है, जो असल टाइम जो है हम बाइक पे निकले हैं अभी हम दरिया। ये जी जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सैयद वाला जो है वो इतना जिसको हम जो है वो बैकवर्ड इलाका कहते हैं, वहाँ पे इतनी बड़ी ये गवर्नमेंट की जो है वो अचीवमेंट है। यहाँ पे ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है वो ज़ेरे तामीर है, तकरीबन ये 80% कम्प्लीट हो चुका है, जो है वो सुन रहे हैं कि जल्द ही जो है वो यहाँ पे क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएँ। एक तरफ अगर आपको जो है वो बात कहें कि एक तरफ जो गवर्नमेंट की इतनी बड़ी अचीवमेंट है, तो दूसरी तरफ अगर आपको हम जो है वो रोड की बात करें तो रोड जो है वो आपके सामने है कि रोड की सिचुएशन कुछ इस तरह है कि आप देख सकते हैं कि सारा टूटा फूटा हुआ है, जो है वो आवाम बहुत ज़्यादा तंग है, भीड़ हो रही है। ये देखें जी रोड आपको दिखा रहे हैं जी व्यूअर्स, यहाँ पे जो है वो हम एक सैयद वाला के अंदर एक छोटा सा दरबार है बाबा अलफ शाह बुखारी के नाम से, जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। आपको यहाँ पे चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ जो है वो खूबसूरती
जहाँ वो सुनाई दे रही होगी, ये कब्रिस्तान है, कब्रें हैं। ये जो है यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद बनाई गई है जी, नमाजियों के लिए जो बंदे आते हैं यहाँ पे दरबार के ऊपर हाजिरी कर देने के लिए, उनके लिए नमाज के लिए। तो यहाँ पे ये आपके सामने जी हम दरबार के अंदर जो है एंटर हो रहे हैं। ये दरबार की एंट्रेंस है जी, बाबा अलफ शाह बुखारी के नाम से ये जो है हमारे बुज़ुर्ग हैं जी। ये दरबार को हम आपको विज़िट करवाते हैं, लेकिन अंदर हम खामोश रहेंगे एहतरामन। जी व्यूअर्स, यहाँ पे ये जो आपको जो खाली इलाका बिल्कुल खुश नज़र आ रहा है, ये थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है, ये दरिया का इलाका है, ये सारा दरिया है। ये इसलिए आजकल जो है वो दरिया का पानी जो है वो आजकल नहरों में पानी बहुत कम है, यहाँ पे जो है वो पानी नहीं है, इसलिए खाली है। अदरवाइज़ यहाँ पर जो है वो ये दरिया का हिस्सा है, यहाँ पर सारा जो है वो पानी होता है। ये इसको हम जो है बंद करते हैं, ये बंद के ऊपर हम ड्राइव कर रहे हैं बाइक, हम बाइक के ऊपर यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं, सारा इंजॉय कर रहे हैं। बहुत जो है वो कमाल का सीन है इस टाइम, तकरीबन सूरज जो है वो तकरीबन ढल चुका है, और जो है वो यहाँ पे जो है वो इंजॉय करने का जो है मौसम है। डेढ़ से दो माह बाद जो है यहाँ पे पानी ही पानी होगा, दरिया जो है वो अपने अरूज पे होगा, तब वाला जो सीन होगा वो इससे भी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग। ये खाली इलाका है, यहाँ पे अभी पानी नहीं है, इसलिए आपको खाली नजर। ये बहुत बड़ा जो है पुल, वो आगे तक जो है वो ये पुल बना हुआ है। राय मंसूर अली खान MLA जो हैं वो उन्होंने इसकी मंजूरी करवाई थी, उसके बाद दो तीन गवर्नमेंट्स चेंज हुई हैं, फिर जाकर ये जो है ये पुल कंप्लीट हुआ है। कुल्फी नज़र आई है, तो गर्मी की ये सौगात कहते हैं, तो हमने जो है यहाँ पे कुल्फी खरीदी है, अब हम इसका जो है मजा ले रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।